ट्राई करें पनीर और शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या ले रहे हैं, यहाँ है 200 ग्राम पनीर, एक कैप्सिकम और एक प्याज, इसे हम चॉप कर लिए हैं रफली और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले पनीर फ्राई करेंगे। पनीर को मैं यहाँ पे बिल्कुल सौते कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर फ्राई कर लें। सिमिलरली मैं यहाँ प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ और प्याज थोड़ा फ्राई होने के बाद फिर मैं कैप्सिकम डाल के फ्राई करके सेपरेट कर ली हूँ। और मसालों में ले रही हूँ मैं प्याज, रफली चॉप कर लिया है, एक इंच अदरक का टुकड़ा, एक तेज़पत्ता, 5-6 कली लहसुन की, टमाटर, कसूरी मेथी, यहाँ है धनिया पत्ता और हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, साथ में तेज पत्ता भी डाल देते हैं इसे थोड़ा सा फ्राई करके। अभी हमें इसको ठंडा करके पीसना है इन मसालों को, और इस ग्रेवी को फिर हमें पकाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, अब हम इसमें टमाटर और जो बाकी जो मसाले होंगे वो सब डाल देंगे। टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ी देर चला लें। अब इसको भी ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसको लास्ट में जो हमारा पाउडर मसाला है उसको डालेंगे। सबको एक साथ ही डाल देते हैं। सॉल्ट आप ना डालें अगर आपको सॉल्ट का आइडिया ना हो तो, और जब सब्जी ऑलमोस्ट बनने को हो तब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं। मैं सॉल्ट शुरू में ही डालती हूँ। अब इसे ठंडा कर लिया मैंने और पीस लिया है, और यहाँ पे सेम पैन में मैं बटर डाल रही हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये रही वो पिसी हुई ग्रेवी, और अभी मैं इसमें मिर्च डाल करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाऊंगी। अब मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ। जब थोड़ा सा ये रोस्टी हो जाए मसाला तब इसमें कसूरी मेथी डालें, और देखिए मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अगर आपको इसमें थोड़ा चाइनीज़ फ्लेवर चाहिए तो ये वाली सीजवान चटनी डाल दीजिए इसी वक्त में फ्राई करते वक्त मसालों को, लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ी तीखी ज़्यादा होती है, तो मैं तो नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं पानी डालकर मसालों में सारी सब्जियों को डाल दी हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए टमाटो सॉस डाली हूँ, 2 बड़े चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और गार्निश किया है धनिया पत्ता से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। और जी हाँ, टमाटो सॉस की जगह में आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब सब्ज़ी पूरी तरह से बन जाए तभी अंत में आप टमाटो सॉस या केचप डालें और फिर सब्ज़ी को गार्निश करें धनिया पत्ता से। और यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और मैं ऐसे ही कुछ मेरी रेसिपी लाती रहूँगी इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच।